जिम्मेदारी उठाने की उम्र में ऐसी जिद करके भागते आपको बताइए ने, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मुझे जो कहना था मैंने चिट्ठी में कह दिया है। समर पाखी तो सुने, तीनों ने मिलकर अपनी जिंदगी में इतना बचपना नहीं किया जितना आपने एक दिन में कर दिया। ये कोई उम्र है ऐसे चिट्ठी लिख के भागने की? अरे भागता नहीं तो क्या करता मैं, क्या करता मैं? टेंशन नहीं हैंडल हो रहा था मुझसे, कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। काव्या शादी डिवोर्स, एक ही रास्ता मुझे दिखाई दिया। घर से मैं परेशान होकर निकला, रास्ते में मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया तो आदि मुझे यहां ले आया। मैंने उसे कितना उससे मना किया था कि मत बताना, और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया। तो सू, स्कूल में जो खेल के मैदान में मास्टर जी सीटी बजाते हैं उनको क्या कहते हैं? स्पोर्ट्स कोच। ओ, वही। आप एक काम कीजिए, आप स्वीटी के स्कूल में वही बन जाइए और बच्चों को भागना सिखाइए, क्योंकि आपसे अच्छा और आपसे तेज तो कोई भाग ही नहीं सकता ने। परेशानी से भागना हो, जिम्मेदारी से भागना हो, या फिर सच से भागना। सच यह है कि मैं इस समय इतना परेशान हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। बस हो गया आपका, सच सुन लिया मैंने। परेशानी झेलने की हिम्मत नहीं तो परेशानी खड़ी क्यों करते हैं? मेरी तो आपको कभी चिंता थी ही नहीं, लेकिन कम से कम उस काव्या को तो बता के जाते कि आप कहाँ जा रहे हैं। आपके लिए परेशान हो हम सब, रो रो के निडाल हो हम सब, आपको ढूंढ ढूंढ के पागल हो जाए हम सब, और बेचारे आप कैसे कैसे? अनुपमा, ये क्या बिहेवियर है? कंट्रोल योरसेल्फ। कंट्रोल मैं? कंट्रोल? अरे आपको तो कंट्रोल का के तक नहीं आता, आप मुझे कह रहे कंट्रोल करने के लिए? मम्मी थोड़ा संभालो। ए, तू बीच में बात बोला। कंट्रोल मन से होता है, कंट्रोल मन पे होता है। तीन बड़े बड़े बच्चों के पिता है फिर भी ऐसे चिट्ठी लिख के घर से, तो अब आपको कंट्रोल याद नहीं आया? अरे जो आपको चाहिए था वो आपको मिल रहा था, मन के मुताबिक मिल रहा था, फिर भी आपको चिट्ठी लिख के ऐसे भाग, तो भी कंट्रोल याद नहीं आया? और अब मेरी आवाज जरा सी ऊंची क्या हुई कि अनुपमा कंट्रोल कंट्रोल? मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था अनु, बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर। किस पे नहीं होता? कान्हा जी ने तो अपनी छोटी सी उंगली पे पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, और आपसे थोड़ी सी जिम्मेदारी नहीं उठाई गई। प्रेशर था, प्रेशर था, प्रेशर था। अनुपमा बस करो। आप बस कीजिए, आप अभी के अभी वापस चलिए, अभी के अभी मेरे साथ वापस चलिए। नहीं जाऊंगा मैं घर। आपको जाना पड़ेगा, अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं माँ बापू जी से क्या कहूंगी, सबसे क्या कहूंगी? जिससे जो जवाब देना है दो, नहीं देना है मत दो, लेकिन जब तक मुझे समझ में नहीं आ जाता कि मुझे क्या करना है, मैं घर नहीं जाऊंगा। सुना तुमने? अनु सोचो, अनु क्या हुआ? अनु 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 उठो, अनु सोचो। मम्मी उठो, उठो मम्मी, देख मम्मी कार्ड बुला, जल्दी से कार्ड बुला, कार्ड बुला मम्मी, जल्दी से कार्ड बुला। अनु उठो, अनु उठो प्लीज, उठो उठो, क्या हो गया तुम्हें? अनु अनुपमा और तोशो को गए हुए इतना टाइम हो गया है, लेकिन अब तक उन्होंने एक फोन नहीं किया है। कम से कम इतना तो बता सकते थे कि वी वहाँ पर है भी या नहीं। लड़कियाँ अपनी शादी की डेट का इंतजार करती है, और यहाँ मैं अनुपमा और वी के डिवोर्स का वेट। रिलैक्स मासी, अंकल मिल गए रिजॉर्ट में। सर थोड़ा तेज चलाइए प्लीज, मम्मी को कुछ होना नहीं चाहिए प्लीज। अब तो मुझे मम्मी मम्मी हम लोग आगे। अनु अनु मम्मी, 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 मम्मी,
मैंने अनुपमा से कहा था कि वी के मिलते ही सबसे पहले मुझे फोन करे, मगर उसने ऐसा नहीं किया। और ये बात मुझे तुमसे पता चल रही है, इसका ये मतलब है कि वो अब भी गेम्स खेल रही है। अनुपमा मुझे और वी को दूर रखने की कोशिश कर रही है अब भी। अगर ऐसा होता तो तोशु भाई मुझे फोन करके आपको इन्फॉर्म करने के लिए क्यों कहते? आंटी उन्हें रोक सकती थी ना। ये सिचुएशन भी इस बॉटल की तरह है मासी, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या देखना है, ये बॉटल आधी खाली है या आधी भरी हुई। मुझे इस बॉटल से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ वी से मतलब है। अनुपमा वहाँ है, वी भी वहाँ है, तो फिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे वहाँ जाना होगा, अपने वी के पास जाना होगा मुझे, ताकि अनुपमा और कोई गेम्स ना खेल सके, वी का ब्रेन वॉश ना कर सके। I have to go there, नंदनी। Move, मासी। मासी जिद की बहुत पक्की है, वो नहीं रुकने वाली। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। I have to be with her. I'm so sorry, baby. I missed your call. क्या हुआ वहाँ? पापा मिले? Is he okay? तोशु, what happened? तुम रो क्यों रहे हो? किंजल, पापा ठीक हैं, पर मम्मी। मम्मी? मम्मी को क्या हुआ? किंजल, मम्मी अचानक से बेहोश हो गई और उन्हें अभी तक होश नहीं आया। What? मम्मी इतने महीने से इतना सारा प्रेशर अकेले हैंडल कर रही थी, पर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। मैं जानता हूँ मैं उन्हें आज तक सपोर्ट नहीं कर पाया हूँ, बट काश इस बार उन्हें सपोर्ट कर लेता। I've always blamed her for everything, Kinjal, in my life. तोशु, तुम पहले भी अपने बारे में सोच रहे थे और अब भी तुम अपने बारे में सोच रहे हो। ये वक्त है ना सैड होने का, ना गिल्टी फील करने का, ये वक्त है अपनी मम्मी का ख्याल रखने का। तोशु, जो तुम पहले नहीं कर पाए वो तुम अब करो। बी विद मम्मी। आई प्रॉमिस मैं मम्मी को सपोर्ट करूंगा, बट तुम भी पूरी फैमिली को लेके जल्दी से यहाँ पे आ जाओ ना। यू डोंट वरी अबाउट दैट तोशु, प्लीज मत रो। मैं समर, पाखी, डॉली, फुई, मामा जी के लिए कैब अभी बुक करती हूँ, इमीडिएटली। एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू लीव द कॉन्फ्रेंस, ओके? तब तक तुम प्लीज मम्मी और पापा का ख्याल रखो, और जब तक हम आ जाते हैं तब तक सारी चेक इन की फॉर्मेलिटीज पूरी कर देना। और हाँ, हमारा क्रेडिट कार्ड ही यूज करना, बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि पापा पे कोई भी प्रेशर आए, ओके? तुम तो आज तक हमेशा पापा के अगेंस्ट रही हो। तुम्हारे लिए तो इस घर में मम्मी से बड़ी कोई देवी नहीं है और पापा से बड़ा कोई विलन नहीं है। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं कितना बेवकूफ था ना किंजल, मैंने सिर्फ मम्मी को नहीं तुम्हें भी हमेशा गलत समझा। मुझे तुम्हारी सारी बातें कड़वी लगती थी, और असलियत में वो बातें कड़वी इसलिए थी क्योंकि वो बातें सच्ची थी। तुम्हारी ये मन की बात मन में ना रखना, सामने कह देना, मुझे इन बातों पे गुस्सा आता था हमेशा, बट आज इन बातों की कीमत समझ में आ रही है। प्लीज जैसी हो वैसी रहना। I'll see you soon. Okay. प्लीज अपना ध्यान रखो। कैसे हो गया, ये बात करते करते अचानक। अनुपमा ठीक है? हो जाएगी, पर उसे हुआ क्या है? ला 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 ला। अरे आपका जूस। आप डॉक्टर हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अनुपमा की तबीयत कैसी है, और आप अपना ओपिनियन देने की बजाय पता नहीं क्या किया जा रहे हैं। वैसे ये मेरी ओपिनियन है, अनुपमा का ही हाल है। नहीं समझ में आया? ओके, ओवरफ्लो हो चुका है, इमोशंस का, इंसल्ट का, पेन का, ह्यूमिलेशन का, दर्द का, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड नाउ माय फ्रेंड, दिस ग्लास इज एम्प्टी। वैसे तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही था, यू वर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन यार टाइमिंग थोड़ी और अच्छी होती ना तो मजा आ गया होता। मतलब ये कि तुम्हें ये सवाल अनुपमा से
कई साल पहले पूछ लेना चाहिए था। कम ऑन यार, हम लोग ग्रोन अप हैं। वी बोथ नो कि हर चीज की एक लिमिट होती है, करेक्ट? जैसे नदियां हैं, उनमें एक खतरे का निशान होता है, एक मेटल है जिसका एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, बिल्कुल वैसे ही हर इंसान का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। वैसे हर मर्द का ब्रेकिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। इमेजिन करो अगर गाड़ियां पेट्रोल की जगह पेशेंस पे चलती है और हर मर्द जो है ना गाड़ी होता, तो हमारा माइलेज कितना कम होता होता ना। सच में यार, हम ऐसे ही हैं। इमेजिन करो यार, ऑफिस से घर आ रहे हो, रास्ते में ट्रैफिक है और ट्रैफिक में किसी ने गाड़ी ठोक दी। घर में पहुंचे तो बीबी ने खाने में नमक नहीं डाला, उसके बाद बच्चों ने होमवर्क नहीं किया, और उसके बाद बीबी बिना बताए कहीं बाहर चली गई, और अंत में अद्वैत खन्ना का लेक्चर इतना लंबा हो गया कि पेशेंस खत्म है ना। पर औरतें ऐसी नहीं होती यार, औरतों में बड़ा सब्र होता है। मैं नहीं जानता कि बूंद बूंद करके सागर बनता है कि नहीं बनता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि बूंद बूंद करके सागर खाली जरूर हो जाता है। यार हम उनके पेन को, उनके सहने को इतना ग्लोरीफाई करते हैं ना, इतना ग्लोरीफाई करते हैं कि वो यार वो शिकायतें करना भूल जाते हैं, और फिर वो सिर्फ सहती रहती है, सहती रहती है, सहती रहती है, और फिर वो होता जो आज हुआ। हम वो सवाल पूछते हैं जो आज तुमने मुझसे पूछा। बेहोश होने से पहले ये सवाल ना पूछना बीमारी। बीमार अनुपमा नहीं है, बीमार मैं और तुम है। और हर वो मर्द है जो अपनी माँ, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी बीबी और अपनी बहन को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेता है। स्ट्रेस था इसलिए। और तुम भाग के आ गए यार? अगर भागना था तो ट्रेडमिल पे भाग लेते, कम से कम इतनी दूर भाग के आने की जरूरत तो ना पड़ती। ओके, अनुपमा का अपडेट ये है कि अनुपमा फिजिकली ठीक है, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ है, लेकिन मेंटल फटीग बहुत ज्यादा है, तो थक चुकी है। एंड दैट इज मोर सीरियस देन इट इमेज। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम उसे यहाँ रख लो, या फिर हम उसे किसी और फैसिलिटी में शिफ्ट कर देते हैं। अनुपमा यही रहेगी। पॉसिबल? देखो टेस्ट और सेशंस हम लोग हैंडल कर लेंगे, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिन्हें सिर्फ तुम ही बुला सकते हो। कैसे एक्सपर्ट्स, बताइए। देखो हाँ, सास, ससुर, बेटा, बहू, बेटी, और अगर नाती पोते हो तो सोने पे सुहागा। पर ये तो जानता हूँ फैमिली है। देखो भाई, फैमिली से बड़ा एक्सपर्ट कोई नहीं होता, और फैमिली से बेहतर थेरेपी कोई नहीं कर सकता। यार मैं ना सिर्फ तुम लोग की मदद कर सकता हूँ, लेकिन असली क्योर सिर्फ तुम और तुम्हारी फैमिली ही कर सकते हैं। बी देयर फॉर हर बंदाज। दैट रिमाइंड्स मी, तुम्हारा बेटा नहीं दिख रहा। He had to leave, कुछ work emergency थी, but बाकी लोग आ जाएंगे। Awesome. अभी भी fix नहीं हुआ है। ज़्यादा मत सोचो यार, it's okay. अगर तुम्हारे पास सारे सवालों के जवाब नहीं, क्या? हमें कुछ और guests हैं जो join करने वाले, तो उनके रहने का इंतजाम करो, okay? क्यों आया? पहले से ही डिवोर्स का टेंशन था, जॉब का टेंशन था, और अब अनुपमा। सब लोग यहां आएंगे और खर्चा भी बहुत होगा। कोई नहीं समझता। हेलो सर, हम अपने रिजॉर्ट में ये सारी फैसिलिटीज भी अवेलेबल करते हैं, जैसे कि ऑल मील हो गया, वाईफाई हो गया, सोना बाथ, हेल्थ क्लब एक्सेस, मेडिटेशन सेशंस एंड लाइब्रेरी एक्सेस आल्सो। आप स्वीट रूम बुक करना चाहेंगे या डीलक्स रूम? जी मेरे साथ मेरे फैमिली मेंबर्स भी आने वाले हैं, तो 5 रूम्स चाहिए मुझे, बट आई वांट द बेस्ट फॉर माय फैमिली। श्योर सर, ये हमारा टैरिफ कार्ड है। अगर आप डीलक्स रूम बुक करते हैं 3 दिन के लिए तो 1,25,000 प्लस टैक्सेस ओनली, एंड अगर आप स्वीट रूम बुक करते हैं 2,55,000 प्लस टैक्सेस ओनली। आप पेमेंट कार्ड से करेंगे या डिजिटल? कार्ड से।
तोशु जाने से पहले अपना कार्ड दे गया था। पहले वो मेरी उंगली पकड़कर चलता था, आज मैं भी उसका हाथ पकड़कर चल रहा हूं। कांग्रेट्स मनराज शाह, बेटा बड़ा हो गया है। थैंक यू सर। हेलो, एक्सक्यूज मी सर, सर आपकी वाइफ को होश आ गया और उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया। थैंक यू। संभाल के, संभाल के। थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया, तभी ठीक है। ठीक है, पर सर, सर थोड़ा सा भारी है, मैं बेहोश हो गई थी। हाँ, तुम्हारा थोड़ा सा बीपी बढ़ गया था। I'm sorry, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। मुझे ऐसे यहां नहीं आना चाहिए था। एनीवे, अभी ये सब बात नहीं करते, तुम आराम करो। नहीं, मुझे घर जाना है, वहां पे स्वीटी, समर, किंजल, डोली बहन सब इंतजार कर रहे होंगे। पर नहीं आ रहे हैं। अब हम लोग 2-3 दिन यहीं रहेंगे। नहीं, हम लोग अभी के अभी घर जाएंगे, इधर नहीं रहेंगे हम। अभी अभी के अभी घर जाएंगे। आपको यहाँ रहना है, रहिए, मैं घर जाऊंगी। मैं संभालो, संभालो। हमारे डिवोर्स की डेट पोस्टपोन हो चुकी है। मेरी वकील से फोन पे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि वो डिवोर्स की फाइनल डेट मुझे बता देंगे। डॉक्टर अद्वैत ने सजेस्ट किया है कि हम लोग कुछ दिन यहीं पे रुकें, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इसलिए मैंने घर पे सबको फोन करके कह दिया, वो लोग सब यहीं आ रहे हैं। और काव्या, आपने उसे बुलाया? बल्कि आपने उसे बताया भी कि आप ऐसा यहां पर रुकने की सोच रहे हैं? मुझे पता था आपकी यही समस्या है और मेरी यही शिकायत है। जब सब जानने का मेरा हक था, तब आप मुझे कुछ नहीं बताते थे। आज सब कुछ जानने का उसका, काव्या का हक है, तो आप उसे कुछ नहीं बता रहे हैं। काव्या ने जो मेरे साथ किया, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। और इसका मतलब ये नहीं कि अगर उसके साथ कुछ बुरा होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप जब गए तो उसकी क्या हालत हो रही थी। मेरा फोन कहाँ है? मैं खुद ही उसे फोन लगा के बुलाती हूँ। अनुपमा सुनो, कहाँ रखा है आपने मेरा फोन? सुनो मेरी, अनुपमा सुनो मेरी बात, सुनो। संभालो, संभालो। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।